हेलो, मेरा नाम अनुराग है और मैं आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। इसका नाम बिग बैंग है इस टॉपिक का। मुझे पता नहीं कि आपने ये शब्द सुना है पहले कि नहीं, शायद आप में से कुछ लोग इससे परिचित होंगे, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसको बहुत डिटेल में हम नहीं देखेंगे और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि इसको और डिटेल में आपको बताऊँ, बट फिलहाल आज मैं आपको इसको एक थोड़े ब्रीफ फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये जो टॉपिक है बिग बैंग, ये हमारे यूनिवर्स को लेकर है, हमारे यूनिवर्स के बारे में एक बात है ये। और मोस्टली इसको अगर बहुत स्पेसिफिकली देखें तो ये हमारे यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ और ये कैसे बड़ा हुआ और इसमें क्या क्या कब हुआ, इसकी पूरी कहानी जो है इसको हम एक इस शब्द बिग बैंग के नाम से जानते हैं। हालांकि ये शब्द एक पूरी कहानी के रेफरेंस में नहीं होता, लेकिन इसको अगर हम पूरा अच्छे से समझेंगे तो हमको इस पूरे यूनिवर्स की एवोल्यूशन की कहानी समझ आएगी। तो चलिए इस कहानी के बारे में हम थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। तो पुराने समय से, आज से कई हज़ारों साल पहले से, लोग हमारे यूनिवर्स के बारे में लोग सोचते रहे, रिफ्लेक्शन करते रहे, चिंतन करते रहे और वो ये जानने की कोशिश में हमेशा लगे रहे कि ये यूनिवर्स क्या है, कहाँ है, किसने बनाया, कब बनाया, इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो हम हर तरह की चीज़ों के साथ पूछते हैं और आपने भी इसको अलग अलग फॉर्म में डिफरेंट लोगों से पूछा होगा। बट ये यूनिवर्स के बारे में अगर पूछा जाए इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये एक थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसके बड़े इंटरेस्टिंग, इस क्वेश्चंस के अराउंड बड़े इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशंस लोगों ने किए और दुनिया में डिफरेंट कल्चर्स ने इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया, देखा। हमारे देश में भी, हमारे कल्चर में भी ऋग्वेद में यूनिवर्स के शुरुआत होने के संदर्भ में एक थ्योरी है और ये करीबन 1500 BC में करीब लिखी गई, ऐसा माना गया है। तो आज से 3500 साल पहले भी लोग इस यूनिवर्स के अराउंड इन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते रहे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते रहे। और ये सिर्फ हमारे कल्चर्स में नहीं, बट और भी कल्चर में, जैसे कि साउथ अमेरिका में मायन कल्चर में, फिर चाइनीज़ कल्चर में, ग्रीक कल्चर में, कई कल्चर्स में लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है, इस क्वेश्चन को, कि हमारे यूनिवर्स कब, कहाँ, कैसे आया, ये हमेशा था कि किसी ने बनाया, एंड सो ऑन। तो हम भी इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो हमारा तरीका रहेगा इसको देखने का, वो साइंस के दृष्टि से हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको, इसके बारे में पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने की कोशिश करते हैं कि इस यूनिवर्स के बारे में जो भी कहा गया आज से 150 साल पहले तक, उसके बारे में कोई कंक्लूजन क्या था लोगों का। तो आज से करीबन 100-125 साल पहले तक, या तकरीबन ऐसे माने कि अराउंड 1900 के आसपास, अभी 2020 चल रहा है, तो 1900 यानी आज से 120 साल के पहले से पहले तक लोगों की जो यूनिवर्स के बारे में अवधारणा थी वो ये थी कि ये यूनिवर्स एक फिक्स्ड चीज़ है, इसमें स्पेस फिक्स्ड है और उसके अंदर अलग अलग तरीके के गैलेक्सीज और प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स हैं, लेकिन वो स्पेस फिक्स्ड है और वो स्पेस इनफाइनाइट है ना। तो यूनिवर्स भी बेसिकली इनफाइनाइट ही हुआ। इनफाइनाइट का मतलब है जो, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम हो जो, है ना। तो ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है और ये टाइमलेस है, यानी इसमें, इसको टाइम में मापा नहीं जा सकता। इसके बारे में ये नहीं बताया जा सकता कि ये कब बना, ये इसमें ग्रह कब बने, एंड सो ऑन। ये ऐसा मानते रहे लोग आज से 125 साल पहले तक कि ये हमेशा ही ऐसे ही थे, हमेशा ही बने रहे, एंड सो ऑन, राइट। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो लोग मानते रहे 1900 के अराउंड तक। आज लेकिन, यानी 2020 में, हम मानते हैं कि ये दोनों आइडियाज़ इस तरीके से वैलिड नहीं हैं।
इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो मैं ये क्रॉस दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, बट इसके अराउंड इसकी डिटेल्स में अगर जाएं तो ऐसा पाएंगे कि इसको हमें और अच्छे से देखना होगा। और यही काम साइंस ने पिछले 125 साल में किया है कि इस यूनिवर्स की दृष्टि को और गहरा किया है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये बिग बैंग नाम की जो कॉन्सेप्ट है इसके अराउंड हुआ है। तो थोड़ा सा पहले देखते हैं, गैलीलियो नाम के एक वैज्ञानिक और आइजैक न्यूटन नाम के एक और वैज्ञानिक, ये दोनों वैज्ञानिक करीबन 100 साल के डिफरेंस में अराउंड 1500 एंड 1600 के आसपास पैदा हुए, और इन लोगों ने भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में रादर फिजिक्स को इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक तरीके से। एक तरीके से और कहें तो इसको थोड़ा और बड़ा करके देखें तो साइंस को ही इस्टेब्लिश किया एक तरीके से। हालांकि और भी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन गैलीलियो का और आइजैक न्यूटन का जो काम करने का तरीका था साइंस के अराउंड, वो दो तीन चीज़ों पे बहुत उन्होंने महत्व दिया। एक तो महत्व दिया कि अगर आप कोई हाइपोथेसिस या कोई थियोरी बनाते हैं तो आपको उस थियोरी के पीछे तर्क देने होते हैं, और आपके तर्क ऐसे हों जो टेस्टेबल हों, यानी जिसको कोई भी टेस्ट कर सके। और अगर वो टेस्ट कर कर फेल होते हैं तो आपकी हाइपोथेसिस को, आपकी थियोरी को फेल माना जाएगा। लेकिन अगर आपके तर्क मजबूत होते हैं और वो कंक्लूजन के साथ होते हैं तो हम उनको मानेंगे कि वो ठीक हैं, और उसके अराउंड एविडेंस को और इकट्ठा कर कर अपने थियोरी को मजबूत करेंगे। तो इन दोनों की ये जो सोचने का तरीका था ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा, और इन लोगों ने यूनिवर्स के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कही। हालांकि इन दोनों का भी कंक्लूजन कुछ वैसा ही था कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है और टाइमलेस है, लेकिन इसकी डिटेल्स थोड़ी अलग थी पहले के जो लोगों ने कही, उन डिटेल से थोड़ी अलग थी। हम उनके बारे में थोड़ी और चर्चा किसी और समय करेंगे, बट गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने साइंटिफिक तरीके से यूनिवर्स की का अध्ययन, यूनिवर्स की स्टडी आज से करीबन 500 साल पहले शुरू करी। आज से करीबन 125 साल पहले यानी 1895 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम हम कहते हैं माइकलसन मॉडली एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य को स्टैब्लिश किया गया, और वो तथ्य ये था कि पहले ऐसा मानते थे कि स्पेस जो है ये फिक्स्ड है, ऐसे स्थिर है, और इसके अंदर सारी वस्तुएं, प्लैनेट्स, ग्रह मूव कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि जो ये स्पेस जो ये फिक्स्ड है ऐसा कुछ नहीं है, और ये इसमें इसके और भी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्पेस जो सब्सटेंस है, जिसको जो वो पदार्थ है स्पेस रूपी, उस पदार्थ के बारे में कोई एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। ये कंक्लूजन पहले जितना भी कुछ माना गया था स्पेस के बारे में उससे अलग था। तो आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक ने जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि ये स्पेस क्या चीज़ है भला, राइट? और उन्होंने फिर स्पेस और टाइम के बारे में दो इम्पॉर्टेंट थियोरीज बनाई, दो इम्पॉर्टेंट अवधारणाएं बनाई। एक को हम स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं और दूसरे को हम जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। और ये स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों थियोरीज, ये दोनों अवधारणाएँ स्पेस और टाइम के कैरेक्टर को और अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं। तो बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस थियोरीज, ये इन दोनों थियोरीज के बाद हमारे यूनिवर्स के बारे में जो हमारी कल्पनाएं थीं वो बिल्कुल भिन्न हो गई, और आज हम जो कुछ भी मानते हैं इस यूनिवर्स के बारे में उसका बेसिस, उसका आधार आइंस्टाइन की थियोरीज ही हैं। आइंस्टाइन की थियोरी के कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, एक और वैज्ञानिक एडविन हबल नाम के हुए, और एडविन हबल ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण खोज करी। उन्होंने देखा कि जो ग्रह हमारे ग्रह से दूर हैं वो हमसे बहुत तेज़ी से और दूर जा रहे हैं, और जो ग्रह जितना ज़्यादा दूर है वो उतनी तेज़ी से और दूर जा रहा है।
तो बेसिकली हमारा यूनिवर्स जो है वो स्थिर नहीं है, वो फैल रहा है, बड़ा हो रहा है लगातार और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बेसिस एडविन हबल ने इस्टेब्लिश किया। उनके इस काम के कारण उनके उनके प्रति रिस्पेक्ट को स्वीकारते हुए आज एक टेलीस्कोप भी आज से कुछ सालों पहले स्पेस में छोड़ा गया है। तो आपको पता है कि टेलीस्कोप क्या होता है, कि एक दूरबीन जैसी चीज़ होती है जिसके यूज थ्रू हम प्लैनेट्स और स्टार्स को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ये सारे टेलीस्कोप्स हम पृथ्वी से देखते हैं। तो पृथ्वी से जब हम ग्रहों को देखते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर बीच में आता है और उसके कारण हम बहुत साफ तरीके से चीज़ों को नहीं देख सकते। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना भला हम एक बड़ा सा टेलीस्कोप हम रॉकेट में भेजकर स्पेस में भेज दें, और स्पेस से अगर चीज़ों को देखेंगे तो हमें सब चीज़ें बहुत साफ और अच्छे से नज़र आएंगी, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर बीच में नहीं आएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेलीस्कोपिक डिवाइस है, इसको हम हबल टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं, और अगर आप गूगल में इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर यूनिवर्स की इमेजेस जो कि इस टेलीस्कोप ने खींची हैं देखने को मिलेंगी। उसके बाद हबल के इस ऑब्जर्वेशन के बाद कि हमसे जो चीज़ें दूर हैं वो और तेज़ी से दूर हो रही हैं, यानी यूनिवर्स फैल रहा है, एक और इंटरेस्टिंग घटना घटी 1964 में, कि कुछ साइंटिस्ट एक बड़े सी डिश को लेकर यूनिवर्स में हर तरफ जांचने की कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी तो नहीं आ रही जिस फ्रीक्वेंसी से हमें कुछ यूनिवर्स के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल सके। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक तरह की ध्वनि, एक सर्टेन तरह की ध्वनि उसको सुनने की। तो उन्होंने पाया कि एक ऐसी ध्वनि है जो पूरे यूनिवर्स में सब जगह से आ रही है। वो ध्वनि जो है उसका एक तापमान है और उस तापमान को हम अबाउट 2.7 केल्विन कहते हैं। ये एक मापदंड है तापमान को नापने का, जैसे सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट वैसे केल्विन भी एक एसआई यूनिट्स में एक मापदंड है। तो उन्होंने पाया कि इस यूनिवर्स में एक तरीके की कॉन्स्टेंट रेडिएशन इस यूनिवर्स में हर जगह से आ रही है, मोर और लेस, है ना। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट थी, क्योंकि इसके बाद साइंटिस्ट लोगों के मन में ये बहुत क्लियर हो गया कि हमारा यूनिवर्स पैदा हुआ है, किसी पॉइंट पर ये बना है, ऐसा नहीं था कि यूनिवर्स हमेशा था। अब इस कंक्लूजन को कैसे मैंने ये साइंटिस्ट लोग किस तरह से इस कंक्लूजन में पहुँचे इसको मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट आप ये मान लो कि ये कंक्लूजन इन दोनों तथ्यों के बाद जो एडविन हबल कह रहे हैं कि हर चीज़ फैल रही है ना, यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है, और दूसरा कि हर जगह से एक तरह की टेम्परेचर की यू नो की इंफॉर्मेशन आ रही है, इन दोनों तथ्यों के बाद ये बहुत क्लियर हो गया। और इसके अलावा और भी कई तथ्य हैं बट इम्पॉर्टेंट ये दो बातें थी। ये काफ़ी क्लियर हो गया कि हमारा यूनिवर्स किसी समय पे पैदा हुआ है ना। इस थियोरी के बाद लोगों ने इस कंक्लूजन के बाद लोगों ने इस थियोरी को पूरा एक फॉर्म दिया, एक शेप दिया, और उसको पूरा अच्छे से रूप दिया कि ये थियोरी में कब क्या कैसे हुआ। और इन लोगों ने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स किए और आज हम बिग बैंग को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और हम यूनिवर्स के जन्म होने के है ना 10^-35 seconds पहले तक, 10^-35 मतलब 0 point और उसके बाद आप 35 zeros के बाद 34 zeros और एक 1 लगाओगे, यानी 0.00000000 ऐसे अगर आपने 34 zero और एक 1 लगाया 1 second है ना, उससे तो जन्म होने के उतनी देर के बाद हमें नहीं पता, लेकिन उसके इमिजिएटली बाद हमको सारी कहानी बताया। तो आज वैज्ञानिकों ने साइंटिस्ट लोगों ने अपने यूनिवर्स के जन्म के जन्म वाले इंस्टेंट को छोड़कर उससे थोड़े से बाद की बाद सारा कुछ उन्होंने वर्कआउट कर लिया। इस पूरे थ्योरी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो बेसिकली अगर इस थ्योरी को हम देखें तो हम पता चलेगा कि यूनिवर्स एक बीज जैसी वस्तु है ना, जैसे ये एक छोटा सा बीज दिख रहा है आपको, वैसे यूनिवर्स एक छोटा सा बीज था किसी पॉइंट पर, और फिर वो बड़ा हुआ है ना, और बड़ा हुआ और काफ़ी बड़ा हो गया
है ना। और ये बहुत जल्दी जल्दी हुआ, शुरू में कुछ एक सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था कि यूनिवर्स करीबन लाखों अरबों किलोमीटर लंबा हो गया। एक चीज़ और ध्यान देने की है कि यूनिवर्स जब बड़ा हो रहा था तो ये नहीं था कि ये बाहर स्पेस है और ये अंदर यूनिवर्स है, स्पेस भी यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स बड़ा हुआ यानी स्पेस फैल रहा था, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं था कि यूनिवर्स स्पेस में फैल रहा है, बल्कि स्पेस तो यूनिवर्स का ही पार्ट है, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही बन रहा है। यूनिवर्स के बाहर कोई चीज़ नहीं मानते हैं, है ना। तो ये इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप बिग बैंग के बारे में सोचो। तो ये हमारा यूनिवर्स बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हुआ और फिर किसी पॉइंट पर इस यूनिवर्स में छोटे छोटे कण, एटम से भी छोटे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको ग्लूऑन्स कहते हैं और क्वार्क्स कहते हैं। तो ग्लूऑन्स और क्वार्क्स ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, है ना, एटम से भी हज़ार गुना छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये एक तरीके से देखें तो एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स के पैदा होने के थोड़ी देर के बाद ही, है ना, पूरे यूनिवर्स में इस तरीके की एनर्जी, ग्लूऑन्स और क्वार्क्स की एनर्जी फैल गई। और ये ग्लूऑन्स, कुछ ग्लूऑन्स मिलकर कोई क्वार्क, और कुछ क्वार्क मिलकर फिर से टूटकर ग्लूऑन, ये वाली प्रोसेस चलने लगी। तो बेसिकली हमारे यूनिवर्स में बहुत तरीके की एनर्जी वाले पार्टिकल्स बढ़ने लगे और मिलकर एक दूसरे के साथ और एक नई चीज़ बनाने लगे। लेकिन मैटर और एनर्जी का ये खेल बहुत इंटरेस्टिंग था और तरह तरीके के अलग अलग क्वार्क्स और अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज़ ने यूनिवर्स में जन्म लिया। थोड़े और समय के बाद, अभी भी एक सेकेंड पूरा नहीं हुआ है, कि ये ग्लूऑन्स और क्वार्क्स जो हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। और करीबन एक सेकेंड बाद, यानी यूनिवर्स के पैदा होने के एक सेकेंड के बाद, एटम्स यूनिवर्स में बनने लगे। दो तरीके के एटम्स मोस्टली, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो एटम्स सबसे सिंपल तरीके के एटम्स होते हैं। और इस पूरे यूनिवर्स में एक तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम गैस भर गई। आगे चलकर ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस एक तरीके के स्टार्स के फॉर्म में बनने लगी। और जब स्टार्स बने तब पहली बार यूनिवर्स में प्रकाश हुआ। उससे पहले तक, जब तक स्टार्स नहीं थे, तब तक हमारा यूनिवर्स में एकदम डार्कनेस थी, एकदम अंधकार था। उससे पहले लाइट अगर थी भी तो बहुत ही थोड़ी सी थी, और वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो हमारा यूनिवर्स रियली रियली डार्क था। तो अराउंड 300,000 ईयर्स के बाद यूनिवर्स में पहले स्टार्स फॉर्म होने शुरू हो गए। और उसके बाद और बड़े बड़े एलिमेंट्स जैसे कार्बन, आयरन, निकल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब बनने लगे। और ये स्टार्स फिर बनते थे। इसमें बहुत तेज़ तरीके की प्रोसेस, प्रक्रिया चलती थी, जिसको हम सुपरनोवा और इस तरह के नामों से जानते हैं। और ये फिर स्टार्स और तरीके के एलिमेंट्स बनाते थे, और फिर ये एलिमेंट्स को बहुत तेज़ी से फैला देते थे जब वो बर्स्ट होते थे। और इस तरह से ये सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स जिनके बारे में आपने सुना है, जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, करीबन 100 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ये सारे किसी फॉर्म में स्टार्स में बने और फिर स्टार्स के एक्सप्लोजन के थ्रू पूरे यूनिवर्स में फैल गए। अब ये कहानी और दिलचस्प हो जाती है अलग अलग तरीक़ों से, बट हम अभी उसमें आगे नहीं जाकर बल्कि यहीं रुक जाते हैं एक फॉर्म में और दो तीन कंक्लूजन्स को अपने लिए बना लेते हैं। तो ये जैसे एक आपको ये आकार दिख रहा है, इसको एक शटल कॉक का आकार मान सकते हैं। जैसे ये शटल कॉक की कॉर्क है और ये उसका पूरा सरफेस है, समय ऐसे मूव कर रहा है। तो आज हम कहीं यहाँ पर हैं, जब ये बिंदु जो है यहाँ पर यूनिवर्स पैदा हुआ, धीरे धीरे यूनिवर्स फैल के बड़ा होने लगा। और ये यूनिवर्स बड़ा हो रहा है और अभी भी बड़ा होता जा रहा है, आज भी, इस वक्त भी ये हमारा यूनिवर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और
ये जो पूरी ये जो बिंदु है जिस बिंदु पे ये यूनिवर्स को यूनिवर्स ने जन्म लिया, इस बिंदु को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि ये बिग बैंग जो शब्द है, ऐसा लगता है जैसे कोई एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन बिग बैंग वैसा ही है जैसे कोई एक छोटा सा बीज एक बड़ा आकार ले लेता है। उसी तरीके से बिग बैंग में ये पूरा यूनिवर्स एक छोटा सा यूनिवर्स था जिसमें स्पेस बहुत तेज़ी से दो चीज़ों के बीच में आ गया, और स्पेस है जो फैल रहा है बहुत ज़ोर से तेज़ी से, जिससे कि ये यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है। इसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं था, ऐसा नहीं था कि कुछ फटा, राइट, बट कोई एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस इम्पॉर्टेंट आइडिया को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। आज साइंटिस्ट वगैरह ने हमारे यूनिवर्स के साइज़ को मेजर कर लिया कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, और उन्होंने पाया कि हमारा यूनिवर्स 92 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। यानी लाइट ईयर्स मतलब एक उतनी दूरी जितनी कि लाइट यानी प्रकाश एक साल में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको पता है कि प्रकाश काफ़ी तेज़ से ट्रैवल कर सकता है, लेकिन आप सोचो कि एक साल में प्रकाश, अगर अगर आपने आज टॉर्च चलाई और एक साल के बाद सोचा कि वो लाइट जो टॉर्च की थी वो कहाँ तक पहुँची, तो वो कितनी दूर चली गई, तो उसको एक लाइट ईयर कहते हैं। ऐसे 92 बिलियन, यानी 92 के बाद 9 ज़ीरोज़ लगाएं, है ना, उतने ईयर्स, ये हमारी यूनिवर्स का डायमीटर है ना। यूनिवर्स अगर गोलाकार मान लो एक तरीके से किसी एक पॉइंट पर, तो उसका जो डायमीटर है वो 92 बिलियन लाइट ईयर्स है। और हमारे यूनिवर्स का एक एज है ना, हमारे यूनिवर्स को पैदा हुए 13.7 बिलियन ईयर्स हो गए। मेरे ख्याल से आप लोगों की उम्र 15-16 साल की है, पर हमारे यूनिवर्स की उम्र करीबन 13.7 बिलियन, बिलियन अगेन 9 ज़ीरोज़ ऐड करने के बाद जो होता है उतना बड़ा, 13.7 बिलियन ईयर्स की है। तो बेसिकली हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है ना, एक उसका ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक साइज़ है, ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट है। और दूसरा कि हमारा यूनिवर्स टाइमलेस नहीं है, बट उसका एक एक नंबर ऑफ ईयर्स उसके पैदा होने के बाद हुए हैं, यानी यूनिवर्स का एक एज है ना, टाइमलेस नहीं है। ये 13.7 बिलियन ईयर्स है। और इसके अलावा बहुत सारे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बिग बैंग की थ्योरी से निकल के आते हैं, ऑल द वे कि आदमी कैसे पैदा हुआ और अब आदमी का क्या भविष्य है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इसको धीरे धीरे और वीडियोज़ के थ्रू आपके साथ मैं एक्सप्लोर करूँगा। थैंक यू।